को नहीं, एक बार चोर दे दो बस। चोर दे दो, हाँ डब्बा हमें मारा है, आपसे सोल्ट बर्थ के कर लेगा, हमने चोर चाहिए। जय हरियाणा टीवी पे आप जुड़ चुके हो, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ अभी, जो तस्वीर है वो दिखा पा रहा हूँ। देखिए एक किसान के अंदर कितनी दुविधा प्रॉब्लम आती है, जब किसान खेती करने के लिए निकलता है तो कभी सर्दी कभी गर्मी का मौसम हो जाता है, अगर वो पशुओं को रखता है तो पशु भी चोरी हो जाते हैं, तो अपना किसी प्रकार किसान अगर गुजारा करता है तो गुजारा करने वाले भी उसको गुजारा नहीं करने देते, क्योंकि खबर है बहुत बड़ी भिवानी जिले की, गाँव क्लेमपुर के पास एक जोड़ी है, उस जोड़ी के पास कुछ नाम है इसका, क्या नाम है इसका सुरेंद्र भाई, कालियाली जोड़ी कुछ ऐसा नाम करके बुजुर्गों ने रखा हुआ है, तो उस जोड़ी के अंदर एक किसान का बेटा अपना रोजगार चलाने के लिए मधुमक्खी जो पालन होता है, जो तस्वीरों के अंदर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि डब्बे जो दिखाई दे रहे हैं, इन डब्बों के अंदर मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है, तो एक बहुत बड़ी एक दुखद घटना जो मैं आपको बोलूँगा किसान के लिए, किसान का अगर बेटा अगर कुछ अपना रोजगार चलाता है, मधुमक्खी पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, कुछ भी अगर करता है तो उसको लोग नहीं करने देते, ऐसे एक असामाजिक तत्व ने ऐसा ही इस किसान के बेटे के साथ किया। मैं उससे पूछूंगा कि क्या हुआ आखिरकार, तो यहाँ पर जो इन्होंने मुझे बताया, जो भाई साहब यहाँ पर जो मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि रात को उनके डब्बे चोरी हो जाते हैं, बहुत बड़ी दुखदाई बात, और जुड़ते हैं उनसे। भाई साहब क्या नाम आपका? बलजीत भाई। बलजीत भाई, तो आपने कब से ये चालू कर रखा है? इधर जो 15-20 दिन हो गए जी। तो क्या घटना हुई, 24 तारीख की बात बता रहे हो आप, तो 24 तारीख को जी, 23-24 की रात को क्या घटना हुई? ये मौसम ख़राब था उस टाइम, रात को सोने नहीं आए यहाँ पर, करीब सवेरे 3 बजे के बाद में ये 40 बॉक्स चोरी हुए यहाँ से। 40 बॉक्स चोरी हुए? हाँ, 40 बॉक्स चोरी हुए हैं यहाँ पर। आप कहाँ थे उस टाइम? अपने उस टेंट पर, रसोई पे थे। अच्छा। दूसरे टेंट पे। अच्छा। हाँ, खाना पीना खा के वहाँ पर से यहाँ इधर आते थे सोने के लिए, तो उस दिन मौसम ख़राब था और उसके कारण नहीं आ पाए। इस रात ने करीब 3 बजे के बाद में ये 40 बॉक्स उठा के ले गए हैं। तो आपको जैसे क्षेत्र के अंदर कोई जानकार हो कि ऐसा हो सकता है उस इंसान ने कर दिया हो, तो कुछ आपने एफआईआर दर्ज भी करवाई बता रहे हो, तो उसमें किसी का नाम अंकित किया आपने? नहीं, नाम तो किसी का अंकित नहीं किया, ऐसा तो कोई न्यू तो नॉलेज में आया नहीं अभी तक, बाकी FIR तो कटवा रखी है। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ पे थे 3 बजे के रात को घटना घटी है, 24-23 तारीख की जो रात बता रहे हो, तो जैसे आपको पता चला आपने पुलिस के अंदर कंप्लेंट किया, तो जैसे कि क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र को डब्बे उठ के किस दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं क्या? कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से तो दूर पाऊंगे ज़्यादा। अच्छा। बाकी पहले भी वही थी चोरी, तो जब भी बहुत अंडा फ्री करी थी। अच्छा। कहीं नहीं मिले थे। तो अब भी आप पुलिस प्रशासन और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? भाई यही प्रशासन करते हैं, भाई हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे डब्बे मिल जाए वापसी दिलाते हैं, हमारी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए भाई साहब। चोर मिल जाए हमने, हमने 2-3 साल हो गए, हमारे पिछले 5-6 भी उठे थे, मतलब गणी ही कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस। ज्यादा तो हम ये चाहो प्रशासन हमारी कार्रवाई करे, हमने चोर तो डब्बा तो मतलब को नहीं, एक बार चोर दे दो बस। हाँ, डब्बा हमें मारा है, आपसे सोल्ट बर्थ के कर लेंगे, हमने चोर चाहिए, हमारा एरिया को दोबारा चोरी हुई है इस जोड़ी में। दोबारा फिर हो गई चोरी? दोबारा जो आज से 2 साल पहले भी यहीं से उठाए, पहले चोरी हुई थी, उसमें कोई पुलिस कार्रवाई का? पुलिस कार्रवाई नहीं हुई हमारी, हमने पुलिस ने वापस भेज दिया था, नहीं लोग नहीं करेंगे कार्रवाई, पुलिस ने ऐसा बोल दिया। पुलिस ने बोल दिया था जी। तो आप किसके नेतृत्व में किया आपने? अब तो ऑनलाइन FIR करवाई है, वो हमारी अभी पेंडिंग चल रही है। तो जैसे कि पुलिस प्रशासन से किसान का बेटा गुहार लगाता है, तो कौन सा थाना लगता है? बैल थाना। महेंद्र जी हैं SHO साहब, से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान का बेटा जो आज अपना मधुमक्खी का पालन जो कर रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी चोरी हो जाती, कितने लगभग घाटा है? लगभग 2.25 लाख का। 2.25 लाख? हाँ, 40 डब्बे जी। यानी कि किसान को तो एक छोटी सी अगर मार लगे तो वो ही आपको जानते हैं कि बहुत बड़ी होती है, तो आज 1.5 से 2 लाख के आसपास का ये बजट इनका जो यहाँ से चोरी हो चुका है मधुमक्खी का डब्बे। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप ही लाखों लोग आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो इस वीडियो को आप देखें और कुछ मदद करें जहाँ से अगर आपको लगता है, तो कॉमेंट में भी बताएँ आप। धन्यवाद। एक पहचान मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये KBF
इन डब्बों की पहचान है। और अगर आपको कहीं भी ऐसा डब्बा दिखाई दिए तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं नंबर भाई साहब का पूछ लेता हूँ, क्या नंबर आपका? 99-922-34-072। एक बार फिर बता दो, 99-922-34-072। तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो ताकि इस किसान के बेटे की मदद हो उसके। और जय हरियाणा टीवी अपील करता है, जहाँ पर भी ऐसी घटना होती है तो उनका साथ दें। धन्यवाद।